विक्रम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम हैं नवलगढ़ और जैसा कि आप ये मेरे पीछे देख के समझ गए होंगे कि नवलगढ़ में हम कौन सी जगह हैं। ये नवलगढ़ की एक प्रसिद्ध जगह रूप निवास कोठी है जो हेरिटेज विरासत हमारी है। और नवलगढ़ में आज कोरोना के इस टाइम में कैसे हालात हैं, क्योंकि झुंझुनू में नवलगढ़ एक तरीके से हॉट स्पॉट बना हुआ है। पूरे झुंझुनू ज़िले में सबसे ज़्यादा जो कोरोना केसेज आज मिल रहे हैं वो नवलगढ़ में मिल रहे हैं। अभी कल की बात करें या आज की बात करें तो 102 के लगभग कोरोना पॉजिटिव केसेज मिले हैं और सबसे ज़्यादा एक आंकड़ा जो है वो ग्रामीण एरिया से ज़्यादा है, गाँव में से ज़्यादा पॉजिटिव केसेज मिल रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। हमने कोशिश की है कि नवलगढ़ के हालात को देखें, ऐसे जब नवलगढ़ हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना का, उसमें लोग किस तरीके से खुद को जागरूक हैं और किस तरीके से अपने आप को इस ज़िंदगी में ढाल रहे हैं, ये देखने का प्रयास करेंगे और कोशिश करते हैं कि आपको भी ये चीज़ें हम दिखाएँ। ये जो जगह है आप शायद देख के पहचान गए होंगे, जो भी नवलगढ़ के साथी हैं उन्होंने तो शायद ये देख के, हमारे साथ जो भी देख रहे हैं नवलगढ़ के लोग वो तो ये जगह देख के पहचान गए होंगे कि ये कौन सी जगह है। मैं आपको बता दूं कि ये है नवलगढ़ का बस स्टैंड, जो प्राइवेट बस स्टैंड है। यहाँ से गाँव के लिए बसें जाती थी और अब आज यहाँ देखें तो सारी दुकानें बंद हैं, ये स्टैंड है वो एकदम से बंद है चारों तरफ से। एक एम्बुलेंस आई है अभी और एम्बुलेंस का ये जो सायरन है वो वास्तव में दिल दहला देने वाला है इस समय में, क्योंकि जैसे अभी हालात हैं हर तरफ से जहाँ से भी एम्बुलेंस की आवाज़ आती है तो मन से एक दुआ निकलती है कि किसी का भी कोई भी हो, किसी का बेटा किसी का भाई, भगवान उसकी रक्षा करे। अभी मैं आपको इस साइड में दिखाता हूँ जो रास्ता गाँव की तरफ जाता है, तो यहाँ पर मेडिकल की दुकानें हैं वो ज़रूर खुली हुई हैं, बाकी सारा मार्केट है एकदम पूरे तरीके से बंद है। और जो भी लोग हैं जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस तरीके से ही सभी लोगों ने अपने आप को घरों में बंद कर रखा है। ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो दुकानें हमेशा आबाद रहा करती थी, यहाँ पैर रखने के लिए जिस जगह जगह नहीं मिलती थी वहाँ पर भी आज हालात ये हैं कि एकदम से सब कुछ सुनसान पड़ा है। चलो चलते हैं नवलगढ़ के अंदर की तरफ जहाँ आपको पुरानी हवेलियों के दर्शन करवाने के साथ ही आज के हालात के बारे में भी रूबरू करवाते हैं। ये हम अभी हैं नवलगढ़ के पोदार मेमोरियल गेट के पास और ये जगह भी जैसा आपको और पूरे नवलगढ़ का मार्केट दिखाया है वैसे ही हालात कुछ यहाँ पे हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं यहाँ आसपास में रहते हैं उनमें से भी कोई भी यहाँ हमें देखने को नहीं मिल रहा। दुकानें तो पूरे तरीके से बंद हैं ही हैं, उसके साथ ही कोई भी आदमी हमें बाहर ये नहीं दिख रहा कि भाई कहीं कोई बाहर आदमी घूम रहा हो या कि सिर्फ टाइम पास के लिए भी कहीं कोई आया हो। ये सब लोगों के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरीके से खुद को घर में कैद करेंगे तब भी हो सकता है कि हम इस कोरोना की लड़ाई से जीत पाएँ। यहाँ पे प्रसिद्ध जो दुकान थी हिंदुस्तान टी कंपनी, आज शटर के लॉक लगे हुए हैं पूरे तरीके से। नवलगढ़ एकदम से ये कह सकते हैं कि पूरा लॉकडाउन में है। जिस तरीके से सारा शहर ही बंद है तो ये तो कंफर्म बात है कि कॉलेज चालू कहाँ से मिलेगी, लेकिन फिर भी हमने दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से जो आबाद रहने वाली कॉलेज थी, हमेशा छात्र छात्राओं की एक रौनक यहाँ रहा करती थी, वो आज पूरे तरीके से बंद है। कुछ स्टाफ है जो कॉलेज में अभी भी हैं, यहाँ पे रह रहे हैं, जो रखवाली के लिए हैं, वॉचमैन हैं या फिर और भी स्टाफ के लोग हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनके लिए दूध वगैरह की व्यवस्था के लिए अभी एक बाइक हमारे सामने से अंदर गई है। इस सारे कोरोना काल की वजह से हर चीज़ पर प्रभाव पड़ा है, चाहे वो छात्र छात्राओं की विद्यार्थियों की शिक्षा को लेकर हो या आम जन जो रोज़ सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके अपने शाम का खाना जुगाड़ कर पाते हैं उन लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी है, विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी परेशानी है, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है और अब सभी लोग शिक्षा से वंचित हैं। हाँ, ऑनलाइन कक्षाएँ ज़रूर हो रही हैं लेकिन उससे लगता नहीं कि वो ज़्यादा प्रभाव विद्यार्थियों पर डाल पा रही होंगी।